Morning friends, how are you? Are you all right? Okay. Today we are going to learn the grammar part. Use of this, that, these, and the, those. Only we learned this in UKG class also. If you remember, it's okay. Otherwise, you will revise one more time. This means yeah. जो चीज हमारा पास है तो हम इसमें this यूज करते हैं. This is a marker. यह एक marker है. This means यह अपने पास है. This यूज करते हैं. अगर जो चीज दूर है तो that is a fan. Fan दूर है. इसलिए हमारा हाथ में नहीं, पास में नहीं, दूर है. इसलिए दांत यूज करते हैं. दांत इसे फैन. दिस इसे मार्कर. दैट इसे फैन. दैट मींस बगल. तो जो चीज दूर होता है उसके लिए दांत यूज करते हैं. दिस इज इन सिंगुलर. जो एक चीज के बारे में बोलते हैं सिंगुलर. पहले हमने लर्न किया था one and many in previous year. UKG class में हमने learn किया था one and many. एक के लिए one, बहुत सारे के लिए many. वो same है singular. One singular, many plural. Plural of this is these. This का बहुवचन है these. These means in. ये ऐसे हिंदी में बोलते हैं. दीस आर बुक्स. दीस आर एग्स. दीस आर चिक्स. ऐसे बुक में एग्जाम्पल है. पिक्चर में आप देखे रीडिंग करना. और दैट का बहुवचन है दोस. दूर में एक चीज के लिए दैट यूज करते हैं. बहुत सारा चीजों के लिए दोस यूज करते हैं. दोस भी हिंदी उन पे ऐसे यूज करते हैं. ओके, यू रीड द पेज नंबर 22 एंड 23. देयर इज मार्क्स द ड्राइंग कॉलम. ओ ये अपना पीडीएफ में था. और फिल इन द ब्लैंक्स भी. दिस दैट दिस दोस यूज करने के लिए. यानी जो पास वाले में दिस सिंगुलर है, पास वाले में प्लूरल में दीज, और दूर वाले में सिंगुलर में दैट. दूर वाले में प्लूरल में दोस. ये यूज करना समझ में आया. ये वन सेम सिंगुलर एक के बारे में बोलते हैं, और मेनी प्लूरल बहुवचन. बहुत सारे चीज के बारे में एक से ज्यादा है बहुवचन. दिस दिस का बहुवचन है दीस. दैट का बहुवचन है दोस. सेंटेंस में यूज करने के टाइम ध्यान रखना. नेक्स्ट हम क्वेश्चन पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए जो शब्द यूज करते हैं. WHOT व्हाट. व्हाट मींस क्या. WHO हु. हु मींस कौन. WHERE वेयर. वेयर मींस कहां. HOW हाउ. MANY मेनी. हाउ मेनी. हाउ मेनी मींस कितना. ये भी हमने लास्ट ईयर लर्न किया था और एक बार रिवाइज करना है. व्हाट इज दिस. डू यू नो इट्स आंसर. दिस इज ए मार्कर. व्हाट इज दिस. दिस इज ए बुक. यू रिमेंबर. ओके. हु इज टॉकिंग इन द क्लास. टीचर ऐसे बोलते हैं कुछ बच्चे बात करेंगे तो हु इज टॉकिंग. हु मींस कौन. कौन बात कर रहे हैं ऐसे पूछते हैं. कौन के लिए हम हु यूज करते हैं. वेयर. हमने चेयर वेयर. वेयर इज योर नोटबुक. अगर एक बच्चा नोटबुक नहीं लाए तो बुक नहीं लाए तो टीचर पूछते हैं
Where is your notebook? Our pencil is there. Where is your pencil? ऐसे पूछते हैं. Where? कहाँ? How many? How many is? कितना? How many books do you have? आपके पास कितना books है? How many pencils do you have? आपके पास कितना pencil है? कितना है? वो पूछने के लिए हम ये how many use करते हैं. ये सारे क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं. ये शुरुआत में हम यूज करते हैं सेंटेंस का शुरुआत में. जैसे व्हाट इज दिस, वेयर इज द बर्ड, वेयर इज योर नोटबुक, वेयर इज योर पेंसिल, ऐसे हु इज आउटसाइड, हु इज नॉकिंग द डोर, ऐसे कई सेंटेंस यूज करते हैं. ये सेंटेंस का शुरुआत में यूज करते हैं सवाल पूछने के लिए. अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू.